हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो सिलाइयों का एक बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न बताने वाली हूँ। देखिए, ये वाला जो डिज़ाइन है केवल दो सिलाइयों का है, बहुत ही आसान है बनाना। और इस डिज़ाइन को आप लेडीज स्वेटर पर बना सकते हो, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसे बना सकते हो, जेंट्स स्वेटर पर भी आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो। केवल दो सिलाई का है और डिज़ाइन को बनाने के लिए जो फंदे हमने लेने हैं ना, वो भी हमने दो दो के ही मल्टीपल, टू के मल्टीपल पे ही लेने हैं, दो के गुणा पे। ठीक है, ये देखिए, इसकी बैक साइड उल्टी तरफ से ये ऐसे दिखाई देता है और ये इसकी फ्रंट साइड यानी राइट साइड है। बहुत आसान डिज़ाइन है केवल दो सिलाई का, तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इस पर 12 फंदे लिए हैं, टू के मल्टीपल पर फंदे रखने हैं हमने डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो इस पर मैंने 12 फंदे लिए हैं, जोड़े के हिसाब से फंदे लेने हैं। ये डिज़ाइन जो है हमारा उल्टी तरफ से यानी कि बैक साइड से स्टार्ट होता है। फर्स्ट रो हम बैक साइड से लगाएंगे, पहली सिलाई उल्टी तरफ से। देखिए कैसे बनाना है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, इसके बाद दूसरे फंदे को देखिए इस तरह से डबल करके हमने उल्टा बुनना है। जैसे हम उल्टा बनाते हैं ऐसे सिलाई डालेंगे और इस फंदे को हमने दो बार सिलाई पर धागा घुमा के इस तरह से बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमने पूरी सिलाई बनानी है, सारे फंदे हमने इसी तरह से बनाने हैं। फर्स्ट रो उल्टी तरफ से हमने डिज़ाइन बनाना शुरू करना है, तो पहली सिलाई हम पूरी इसी तरह से बुनेंगे। सारे फंदों पे हमने इस तरह से डबल करके धागा बनाना है, सारे फंदे दो बार धागा घुमा के हम बनाएंगे। इस तरह से सिलाई पे दो बार धागा घुमाएंगे और पूरी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। ए स्टिच बचेगा, ए स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे। केवल किनारों के फंदे को हमने सिंगल बनाना है, बाकी जो बीच बीच के फंदे हैं उन सब में हमने दो दो बार धागा घुमा के हमने बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमने पहली सिलाई बनानी है। अब देखिए दूसरी सिलाई, सेकेंड रो राइट साइड, दूसरी सिलाई हमारी सीधी तरफ से आएगी, ये राइट साइड है। तो देखिए पहला फंदा हमने सीधा उतारना है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा दो फंदे हम इस तरह से खोलेंगे, लूज़ करेंगे यानी कि दोनों को आपस सिलाई पे रखेंगे। अब देखिए दूसरे नंबर के फंदे को पहले वाले फंदे के बीचों बीच से लाते हुए इस तरह से हमने यहाँ पे इसे लाना है, बीचों बीच से हमने इसे यहाँ पे लाना है और इसे सीधा बुनना है इस तरह से। फिर इस वाले फंदे को हमने पीछे की तरफ से, दोनों फंदे हमने पीछे की तरफ से ही बुनने हैं। फिर से देखिए दो दो फंदों का ये डिज़ाइन है, दो फंदे हम खोलेंगे, दोनों को वापस सिलाई पे लेंगे। अब देखिए पहले फंदे के बीचों बीच से दूसरे फंदे को अंदर ही अंदर से हमने यहाँ पे लाना है और दोनों फंदों को हमने बैक लूप से बुन देना है ऐसे। देखा, फिर से देखिए दो फंदे हम सिलाई में लेंगे, इस तरह से इसे लूज करेंगे दोनों को वापस। फिर पहले फंदे के बीच से हमने दूसरे फंदे को आगे लाना है इस तरह से। फिर इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से ऐसे बुन देना है। फिर से देखिए दो फंदे, दोनों को लूज किया, फिर पहले फंदे के अंदर से हमने दूसरे फंदे को आगे लाना है और दोनों को बैक लूप से इस तरह से बुन देना है। फिर से देखिए दो फंदे हमने लूज करे, पहले फंदे के बीच से हमने दूसरे फंदे को आगे लाया और दोनों फंदों को सीधा बुना, बैक लूप से दोनों फंदों को सीधा बुन देना है। लास्ट का फंदा हमारा ए स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये दो सिलाई का डिज़ाइन है, दो सिलाइयाँ ही हमने बार बार रिपीट करनी है। फिर से हमने फर्स्ट रो लगानी है। देखिए मैं एक बार आपको फिर से बना के बताती हूँ, पहली सिलाई उल्टी तरफ से हमने बनानी है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद सारे फंदों पे हमने डबल करके इस तरह से बनाना है। सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं लेकिन सारे फंदों पर हमने डबल करके धागा सिलाई पे दो बार घुमा के इस तरह से हमने फंदों को बनाना है। केवल किनारे के फंदे हमने सिंपल बनाने हैं यानी कि इसे डबल नहीं करना है, दोनों साइड के जो फंदे हैं
अब देखिए राइट साइड सेकेंड रो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदों को खोलेंगे, फिर दोनों फंदों को क्रॉस करेंगे इस तरह से, पीछे से दोनों को बुनेंगे बैक लूप से इस तरह से, फिर दो फंदे हमने खोले, तो दोनों को हमने क्रॉस करके इस तरह से बुनना है। पहले फंदे के बीच से हमने दूसरे फंदे को आगे लाना है और आगे लाके दोनों फंदों को एक एक करके सीधा बुनना है बैक लूप से। तो देखिए इस तरह से हमने सीधी तरफ से बनाना है, लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमने इन्हीं टू रो को फ्रेंड्स बार बार रिपीट करना है। बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन हमारा बन के आता है। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है, आप अपने प्रोजेक्ट पे डालिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको डिज़ाइन कैसा लगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।